हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर बिट फेल्स। बिट फेल्स मतलब कि बिट लेवल के ऊपर कुछ फेल्स आते हैं, उनको कैसे एक्सेस करते हैं। अब बिट फेल्स की रिक्वायरमेंट क्यों आई है, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल तरीके से हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर रखे हैं, जैसे इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का या फिर फ्लोटिंग टाइप का। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई नंबर है जिसके अंदर क्या असाइन करना है, थ्री असाइन करने के लिए आपने इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा। तो इंटीजर वेरिएबल कितना डेटा टाइप, जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है वो आपको 2 bytes मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन जो 3 नाम का जो 3 वैल्यू आ रही है उसको तो असाइन हम बिट लेवल के ऊपर जब चेक करते हैं तो केवल 2 bits के अंदर उसको हम असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू, अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल रखा हुआ है तो वो तो हमारे मेमोरी का वेस्टेज हो जाता है। इसी तरह के जगह पे जहां पे हम बिट लेवल के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे बिट फील्ड टाइप के डेटा टाइप को हम यूज करते हैं, ताकि मेमोरी को हम हमारे प्रोग्राम को ऑप्टिमिस्टिक बना सके, मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर सके। अब बिट फील्ड का यूज कैसे करते हैं, कहां कहां पे करते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि बिट फील्ड रिक्वायर्ड क्यों है। वेरिएबल हुज मैक्सिमम वैल्यूज आर स्मॉलर एनफ टू पैक इनटू अ सिंगल मेमोरी लोकेशन, वी कैन यूज बिट फील्ड टू स्टोर सेवरल वैल्यूज इन ए सिंगल इंटीजर। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 21 के अंदर कई बार ये देखा हुआ है कि हमने इंटीजर टाइप का केवल एक वेरिएबल ले रखा है, उसके अंदर स्टूडेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम सेव करी है। क्योंकि जब बिट लेवल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास काफी सारी बिट होते हैं, 16 bits होते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। जो कि जनरली हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हो सकता है 2 bits के अंदर हमारा काम हो जाता है, 3 bits के अंदर, तो बाकी के जो जितनी बिट बचती है 12-13 वो सारी वेस्टेज चली जाती है। तो उन सबको यूज करने के लिए प्रॉपरली हम बिट वाइज या फिर बिट फील्ड्स का यूज करते हैं। रिड्यूस मेमोरी कंजप्शन, ऑब्वियसली बात है जब हम मेमोरी के ऑप्टिमिस्टिक की बात करें तो मेमोरी का कंजप्शन ऑलरेडी कम होगा। टू मेक अवर प्रोग्राम मोर इफिशियंट एंड फ्लेक्सिबल, जब आपका प्रोग्राम लेस मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, लेस मेमोरी को ऑक्यूपाई करके उसके ऊपर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको कम से कम मेमोरी के साथ में डील करना पड़ रहा है और इजी टू इंप्लीमेंट होता है। क्योंकि बिट हम बता देते हैं कि कितने बिट का डेटा स्टोर होने वाला है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा या फिर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते तो 1 byte आता है। 1 byte का मतलब कि आपके पास में आ गया 8 bits, जबकि हो सकता है कोई कैरेक्टर ऐसा हो जिसको स्टोर करने के लिए हमें केवल 3 bits की रिक्वायरमेंट हो, 4 bits की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके अंदर बाकी बची हुई जो बिट्स हैं वो 0-0 असाइन होकर के हमारे पास मेमोरी का वेस्टेज ही चला जाता है। अब बिट फील्ड डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सिंटेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक डिक्लेयर कर रखा स्ट्रक्चर, उसके अंदर बोला कि डेटा टाइप मान लीजिए इंटीजर टाइप का है या फिर कुछ भी है, डेटा टाइप मेंबर नेम, उसके अंदर बता दिया विड्थ ऑफ फील्ड। तो डेटा टाइप क्या होता है, इट इज एन इंटीजर टाइप दैट डिटरमाइन द बिट फील्ड वैल्यू विच इज टू इंटरप्रिटेड, द टाइप मे बी इंट, साइंड इंट और अनसाइंड इंट। ये डेटा टाइप जो भी हो सकता है वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर, साइंड इंट और अनसाइंड इंट, इन सबको मिला करके। मेंबर नेम क्या होता है, द मेंबर नेम इज द नेम ऑफ द बिट फील्ड, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ना उसी तरह का प्रोसेस है, इंटीजर कर दिया यहाँ पे वेरिएबल का नाम हो गया, अब उसके आगे हम कोलन लगा के बता देते हैं कितनी फील्ड्स को, कितनी बिट को यू एक्सेस करेगा। विड्थ ऑफ बिट फील्ड, द नंबर ऑफ बिट्स इन द बिट फील्ड, द विड्थ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द बिट विड्थ ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, कि जितनी बिट फील्ड आपने यहाँ पे असाइन करी उसके अंदर वैल्यू जो होती है उससे लेस देन की होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल हो सकती है। अगर स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मल क्या करते हैं इंटीजर टाइप का अगर कोई वेरिएबल होता तो वैसे हो जाता, अब लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज असाइन होनी है उन वैल्यूज की कैपेसिटी अगर प्रोग्रामर को पता है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है उसको बिट के अंदर वो कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि स्ट्रक्चर डेट आता है, डेट के अंदर हमारे पास में डी की वैल्यू हो सकती है, मंथ की वैल्यू 0 से 31 तक हो सकती है, और 31 जब हम बिट लेवल की बात करते हैं तो 1, 2, 4, 8, 16 मतलब कि टोटल 5 bits के अंदर 0 से लेकर 31 तक की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। तो क्या बोल दिया हमने, इंट डी एक वेरिएबल हो गया इंटीजर टाइप का जो डी है उसके अंदर डेटा को स्टोर करना 5 bits के अंदर, तो हमने असाइन कर दिया 5 bits का डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है मैक्सिमम। मंथ आया, मंथ के अंदर 4 आ गया कि मंथ के अंदर 4 bits का ही हो सकता है, लेकिन वाई देखिए वाई के अंदर जो वैल्यू जा सकती है किसी भी वैल्यू, ईयर कभी से कहीं तक जा सकते हैं क्योंकि डेट फिक्स है हमारे पास में 31 मैक्सिमम हो सकते हैं, मंथ भी हमारे पास में फिक्स है कि ये 1 से लेकर 12 तक के हो सकते हैं, तो ये वैल्यू हमें पता है कि रेंज मैक्सिमम इतनी हो सकती है तो हमें उसी बिट के अंदर होना चाहिए, लेकिन ईयर की वैल्यू कितनी भी हो सकती है उसके अंदर हमने बिट लेवल के ऊपर ऑपरेशन नहीं करा, बिट लेवल के फील्ड डिफाइन नहीं करा, ये नॉर्मल इंटीजर है कि ये पूरा 2 byte का डेटा हमने इसको दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बिट फील्ड
फिट बैठता है, हर जगह पे उसको यूज कर सकते हैं। जहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसके एक्चुअल डेटा टाइप के एफिशिएंट वैल्यू जो है, जैसे इंटीजर टाइप का 2 बाइट है, 2 बाइट से लेस देन डेटा अगर उसको स्टोर, पता है कि मैक्सिमम तरह का जो डेटा टाइप है वो 2 बाइट से लेस देन ही रहेगा, तो जितनी बिट के अंदर वो आ सकता है उतनी बिट हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ओके, थैंक यू।